आपका चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। इस घर की माता क्या है? मेरी नूह है तू। तू तक इस मरोड़ को यहाँ से निकालने का मैं नहीं समझूंगी। इसी तरह तड़पती नहीं जा सकती ना तू। तू तो इस घर की माता है। यार अभी बहन की तरह परवाह है ना इसको, अभी इसी वक्त चला दे। हमें छोड़ के जा रही है। सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार किया। गैर मौजूदगी में तो जरूर लगाती होगी। अलग अगर हमें कोई काम था। सफिया तबरेज से कहती है कि तुम्हें मेरी और अपनी बहन की परवाह है तो तुम्हें अभी इसी वक्त अदन को तलाक देनी होगी। तबरेज कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो सबसे कहता है कि मैं और अदन ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उर्फी तबरेज को समझाता है कि सबसे ज्यादा प्यार हमेशा तुम्हें मिला है लेकिन जब तुमने तेज आवाज में बात की तो अम्मा का वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। सफिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अदन के आगे जारो कतार रोकर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन अदन रुकने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसन तबरेज को फोन करता है। तबरेज कहता है कि आपको मुझसे कोई काम है। ऐसन कहता है कि तुम मुझसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो। क्या ऐसन जाने के बाद कलीम जूही को छोड़ देगा? क्या दोरादन और तबरेज एक बार फिर ऐसन के घर में रहने के लिए आ रहे हैं? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। शुक्रिया।